मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने एक दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। सीएम गहलोत यहां पर गुजरात कांग्रेस की जनवेदना रैली को भी संबोधित करेंगे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सब जगह बहुत कामयाब प्रोग्राम हो रहे हैं क्योंकि जनता साथ दे रही है। लोग समझ गए कि हो क्या रहा है, काम धंधे चौपट हो गए हैं, नौकरियां मिलनी तो दूर की बात है, नौकरियां निकली जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, प्याज के दाम कहाँ चले गए सबको मालूम है, जो हरकतें की है परवाह नहीं करी जनता की, सुनवाई नहीं कर रही है, उसका नतीजा आज हमारे सामने है। तो मैं समझता हूँ कि ये अहम और घमंड, जब तक अभिमान ये जब तक ध्वस्त नहीं होगा तब तक इस सरकार भी मैं समझता हूँ गुरु घमंड से कभी दे नहीं पाएगी। अब ये घमंड में चल रहे लोग, जिला स्तर पर आंदोलन हुए, प्रदेश स्तर पर आज जैसे गुजरात में हो रहा है, कल राजस्थान में था, तो पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर करके एनडीए गवर्नमेंट को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो भावना आज सामने आई है और ज़्यादा चिंता व्यक्त हुई है पूरे देश के अंदर, उसको समझाने के लिए, दबाव बनाने के लिए, संघर्ष करने के लिए कांग्रेस उतर चुकी। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। छोटे बच्चों को ऑपरेशन फ्री होना, पूरी तरह उनके रहने की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, ये काम अद्भुत काम है। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैंने सुना था जयपुर में हम लोगों ने बहुत शानदार स्कीमें शुरू कर रखी है, फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट, परंतु ये काम जो ऑपरेशन का है बच्चों के हार्ट के वाल्व का, मैं समझता हूँ कि सत्य साई हॉस्पिटल बधाई की पात्र है। उन्होंने जिस रूप में पूरे देश के बच्चों के लिए ये द्वार खोले हैं आने का, ये भी अद्भुत काम है। हर स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो किस प्रकार से इस प्रयोग को अपनाएं, इतना आगे आना चाहिए। और मैंने सुना है कि करीब 2 लाख बच्चे पैदा होते हैं पर प्रतिवर्ष जिनके हार्ट में वाल्व होते हैं, और उसमें से 80,000 बच्चे मर जाते हैं क्योंकि कैपेसिटी नहीं देश के सामने। सिर्फ 30,000 ऑपरेशन होते हैं देश के अंदर और 90,000 कैरी फॉरवर्ड होते हैं, पता नहीं उनके बाद में क्या होता कोई नहीं कह सकता। इस काम को सरकारों को, केंद्र को हाथ में लेना चाहिए। केंद्र सरकार के बलबूते पर है कि उस काम को योजनाबद्ध तरीके से करें राज्यों के सहयोग से, तो ये काम भी संभव है, मेरा मानना है। गहलोत साहब, वैसे तो आप मानते हैं कि जनाधार का अपमान होना नहीं चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र की देखा जाए तो महाराष्ट्र में कांग्रेस का जनाधार नहीं था, फिर भी कांग्रेस सरकार में है। नमस्कार, धन्यवाद। तो आपने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा यहां पर, सीएम अशोक गहलोत जो कि अहमदाबाद के दौरे पर हैं, सत्य साई हॉस्पिटल पहुंचे थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान मीडिया से मुखातिब